अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सी प्रोग्राम लाने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी आउटपुट आपको दिखाएंगे, इसलिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। हमने प्रोग्राम लिख लिया, अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें हमने क्या किया है। फ्लोर टाइप के हमने तीन वेरिएबल्स लिए, साइड, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। हमें क्यूब के लिए साइड की वैल्यू इनपुट कराएंगे और फिर उसकी मदद से जो है फॉर्मूला लगा के सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम फाइंड आउट करेंगे। स्कैन करा लिया साइड को और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है जी, 6.0 मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी टू साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। 6.0 लगा लें या खाली 6 लगा लें। और वॉल्यूम फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइड बाय साइड बाय साइड, यानी साइड का क्यूब आप कह सकते हैं। तो और फिर उसको हम प्रिंट एफ करा लेंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये भी 0.2f के साथ हमने इसको कराया और वॉल्यूम भी 0.2f, यानी अब टू डेसिमल पॉइंट जो है आंसर हमें ये शो करेगा। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम में जो है जहाँ हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म की थी वो हम प्रिंट एफ करा लेंगे। और अब हम इसको करते हैं रन, पुट विंडो आ गई, एंटर द लेंथ ऑफ आ साइड, यानी वन साइड हम इसको देंगे, वैल्यू देते हैं 7 और एंटर किया तो उसने कैलकुलेशंस परफॉर्म करके हमें आंसर दिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 294.00 और वॉल्यूम उसने दिया 343। तो ये थी हमारी आउटपुट आज के प्रोग्राम की। उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं। तो किसी भी प्रोग्राम में सी लैंग्वेज के या किसी और कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है कंप्यूटर के, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।